नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डॉली जोशी है। मैं संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। संस्था दृष्टिहीन दिव्यांग बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगभग 50 वर्षों से इंदौर शहर में काम कर रही है और संस्था में लगभग 200 दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जो अध्ययन कार्य के साथ साथ ही बहुत सारी क्राफ्ट की एक्टिविटी, खेल की गतिविधियां, नृत्य संगीत की गतिविधियां, योगा, मेडिटेशन सभी प्रकार की विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संस्था में बालिकाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार के पूर्व में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, राखी बनाना, डोरमेट्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, सुंदर सुंदर पूजा की थालियां बनाना, भाइयों के लिए अपनी बहनों की तरफ से जो उपहार होते हैं, भाभियों के लिए जो राखियां होती हैं, वे सभी प्रकार की ट्रेनिंग हम संस्था में बालिकाओं को देते हैं। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है ये लगभग 2 महीने पहले से संस्था में क्राफ्ट शिक्षिका द्वारा बालिकाओं को दिया जाता है और ये हमारा जो उद्देश्य है बच्चियों को इस तरह की ट्रेनिंग देने का, वो इसी पर्पज से है कि बच्चियां समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए। और कई तरह के इंदौर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, बैंक्स हैं, जो बालिकाओं को इन राखियों के लिए स्टॉल प्रोवाइड करते हैं और हर साल बच्चियों की लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। इन राखियों से जो पैसा संस्था में आता है वो हम इन्हीं के विकासात्मक शैक्षणिक गतिविधियों में लगाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये बालिकाएं दृष्टिहीन होने के बावजूद भी सामान्य बच्चों से बेहतर कार्य कर रही हैं और अपने आप को साबित कर रही हैं कि हम सामान्य बच्चों से कम नहीं हैं।